एक मिनट मिस्टर साहब, क्रिस्टीन एवरहार्ट वैनिटी फेयर मैगजीन से क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? इसे कुछ दे देना। हाय हाय। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? आपको इस दौर का डाविंची कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बकवास है, मैं पेंटिंग नहीं करता। और आपके दूसरे नाम मौत का सौदागर, इसके बारे में क्या कहेंगे? कमाल का नाम, पढ़ाई कहाँ से की है? बर्कली, ब्राउन यूनिवर्सिटी। ओह, तो मिस ब्राउन, ये दुनिया सही नहीं है पर है तो एक ही। जिस दिन यहाँ अमन बनाए रखने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वादा करता हूँ कि बच्चों के अस्पताल के लिए ईंटें बनाना शुरू कर दूंगा। काफी प्रैक्टिस की है? जी हाँ, हर रात आने के सामने सोने से पहले। वो तो दिख रहा लेकिन है। मैं आपको रूबरू दिखाना चाहूंगा। मुझे सिर्फ सीरियस जवाब चाहिए। ठीक है तो सीरियस है। मेरे पिता की एक फिलॉसफी है, अमन मतलब आपकी ताकत दूसरे से ज्यादा होगी। अमन की बात वो कर रहे हैं जो हथियार बनाते हैं? मेरे पिता ने नाजियों को हराने में मदद की, वो एटम बम प्रोजेक्ट में काम करते थे। बहुत से लोग यहाँ तक के मौत का सौदागर बुलाने वाले उन्हें हीरो मानते हैं। पर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फायदे के गुड मॉर्निंग। इस वक्त 7 बजे है, मालूम में तापमान 22 डिग्री है, बादल बिखरे हैं, लहरों की हालत ठीक ठाक है, कमर से कंधों तक की ऊंचाई है, हाई टाइड 10:52 पर होगी। तुम्हें इस इलाके में आने की इजाजत नहीं है। ओह, उस कंप्यूटर का नाम जार्विस है। मैं तुम्हारे कपड़े धुलवा कर ले आई हूँ, बाहर तुम्हारे लिए एक कार खड़ी है, तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो। तुम जरूर मशहूर पेपर पॉट्स हो।